आई भी थी तो वो एक बैग लेके आई थी, वो भी खाली खाली सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कॉर्नर ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर आज जा रही हैं, तो मैं उसको जा रही हूँ छोड़ने आनंद विहार ISBT बस अड्डा। सो गाइज मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो आज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा कि ये जा रही है, शायद इसको भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, बट क्या करें, जाना तो है ही। सो गाइज बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। अभी हमने ऑनलाइन ऑटो बुक करी है तो घर के नीचे पहुँच ही रही है, तो वेट कर रहे हैं हम। वो लोग तो नीचे चले गए बैग वगैरह लेके, हम लोग अभी ऊपर ही हैं क्योंकि नियान सो रहा है। मैं सोच रही हूँ राहुल आ जाता, वो नियान के साथ रह लेता, तो हम वहाँ से चलते। तो गाइस बने रहिए। तो गाइस हमारे ओला ऑटो आ चुकी है, ये लोग सामान वगैरह रखने लग गए हैं इसमें ऑटो में, और ये मेरा भाई है, ये भी सामान रख रहे हैं। हाफ लीटर वाला दे देना और ये भी दे दो, ये एक ब्लू वाला चिप्स और कुरकुरे भी देना, एक कुरकुरे भी दे दो। तो हम अभी अंकल की शॉप से, हाँ हाँ अंकल की शॉप से सामान रख रहे हैं इसके लिए, और बिस्किट भी दे देना अंकल। कौन सा? वो क्या नाम है, चॉकलेट वाला दे दो। चॉकलेट? हाँ ऐसे वाला नहीं, बॉर्बन बीच वाला। ए कौन सा खाती है? हाँ 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 दे दो। सो हमने यहाँ से सामान ले लिया है, अभी एक बार पेमेंट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हमने सामान वगैरह ले लिया है, इसने पकड़ा हुआ है ये थैला। ये जिया मैडम है, बाय करने आई है, सो के उठी है, चले फिर। सो गाइस हम घर से निकल चुके हैं, आप देख सुबह सुबह का टाइम है तो अभी ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होगा यहाँ तक जाने के रास्ते पे। खाली खाली सा, और अभी इसके पास आप देख सकते हैं इतने सारे बैग हो गए हैं, तीन तीन बैग हो चुके हैं इसके पास, बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। अभी सबके पास एक एक बैग है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम आनंद विहार ISBT पहुंच चुके हैं, अभी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 130 पे, जहां से टनकपुर के लिए बस मिलती है। जैसे हम यहां पे पहुंचे प्लेटफॉर्म पे और वैसे ही बस मिल चुकी है हम लोगों को, और वो जाने वाली है अभी 5-10 मिनट में, तो अच्छा हुआ हम सही टाइम पे यहां पहुंच चुके हैं और हमें बस भी मिल गई है। थोड़ा थोड़ा हो गया, चलो फिर बाय। आगे बैठ जाओ, वो सिंगल सीट है ना, आपने आराम से बैठ के चले जाइए। गिरने उसमें धक्का मुक्का सा लगता है, धक्का वहाँ कहाँ लगेगा, देख लेना भैया ठीक है, अकेली लड़की है। चलो बाबू बाय। अरे जाओ बेफिक्र होकर जाओ यार, भैया क्यों परेशान हो रहे हो, फोन करते रहियो आराम से, हल्का भैया एक मिनट उतरने देना कहीं आप ना, चोट बाय ध्यान रखियो, आराम से
संधा को छोड़ दिया है और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वैसे हमें बस भी मिल गई थी, तो हमें एक मिनट भी ऐसा वेट नहीं करना पड़ा, सामान रखा और वो चली गई। सो अकेले ही गई है वो, और कोई नहीं, बड़ी हो चुकी है तो वो पहुँच ही जाएगी अच्छे से। तो गाइस हमें आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो चली गई है, क्योंकि हम बचपन में एक साथ बहुत रहते थे, वो मेरे से बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा वो उसे जाते वक्त। पर कोई नहीं, उसको जाना था और वो जल्दी इसलिए चली गई क्योंकि उसकी मम्मी के भी हाथ वगैरह में चोट लगी थी, तो उसको जल्दी जाना पड़ा। अदरवाइज़ वो एक महीने के लिए तो आई भी थी मेरे पास, पर वो 18 दिन रही, वो 18 दिन कब बीत गए इतनी जल्दी पता ही नहीं चला। तो गाइज अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं और नियान भी घर पे वेट कर रहा होगा क्योंकि वो सो रहा था, शायद उठा नहीं होगा वो। तो अब हम भी घर को निकलते हैं यहाँ से। दोनों ऑटो वाले लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जाऊँगा और चलते हैं यहाँ से। गाइज अब हम भी घर पे पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तैयार होकर ऑफिस के लिए कर लेंगे। तो गाइज मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अब घर से निकल भी गई हूँ मैं, और जैसे कि मैंने अभी दिखाया था चंदा चली गई है, तो हम लोगों को आज बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। बहुत मतलब होता है ना, जैसे कि घर में बहुत शांति सी, जैसे कोई चला जाता है तो बहुत सुनसान सा रहता है घर, तो उस टाइप का ही हो रहा है। तो अभी मैं नियान को उसके पापा के पास छोड़ के आई हूँ, तो मम्मी थोड़ी देर में घर पे चली जाएगी उसको देखने के लिए। सो आई मिस यू चंदा, अगर तुम मेरे ब्लॉग देखेगी तो हम तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। पहुंच गए न्यू अशोक नगर के वाइन शॉप के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रिक्शा हैं, सवारियों का वेट कर रही है, यहीं से सवारी उठाती है यहाँ रिक्शा। और ये 15 अगस्त की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस हमें यहाँ पे 10 मिनट वेट करना पड़ा, ये भैया सवारी का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब हम 18 के लिए। सेक्टर 16 पहुँची हूँ गाइस मैं अभी, और यहाँ पे अभी लगा है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक खुलने का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी खुल चुका है, गाइस आज यही वाली रिक्शा जा रही है DLF के लिए, तो मैं इसी में जाऊँगी। मॉल के बाहर पहुंच चुकी हूँ, रिक्शे वाले ने मुझे छोड़ दिया था DLF के बाहर। सो गाइज अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री, बाय गाइज।